जंगल का कानून तो आप जानते ही हैं, यहाँ सिर्फ उसे ही जीने का अधिकार है जिसके पास ताकत है। हर दिन सर्वाइवल के लिए आपको जंग लड़नी होती है, या तो शिकार करने के लिए या शिकार होने से बचने के लिए। इसी क्रूर नियम से जंगल का कानून चलता है और इसीलिए यहाँ अक्सर बहुत भयंकर, खूंखार और रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाइयाँ चलती रहती है। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी ही दिल दहला देने वाली क्रेजीस्ट फाइट्स, जिन्हें देखकर आप वीडियो को लाइक किए बिना रह नहीं पाएंगे। आपको बस इतना करना है कि मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है बस। नंबर 15, राइनो वर्सेस बफलो। दोनों की साइज देखिए जरा, अपना पहाड़ सा शरीर लेकर ये दोनों जंगल में निकलते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई इन्हें छेड़ दे। मगर जब ये दोनों ही आपस में भिड़ जाएंगे तो सोचिए वो मंजर कितना भयानक होगा। अफ्रीका में तो माना जाता है कि ये बहुत पुराने दुश्मन है और अक्सर अपनी ताकत साबित करने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ देखिए, इस राइनो ने मौका देखकर भैंसे पर हमला कर दिया है और लगता है भैंसा इस अचानक हुए वार के लिए तैयार नहीं था, शायद इसलिए संभल नहीं पाया और उसके बाद तो राइनो ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया, लगातार वार करते हुए उसे गिरा दिया। आज राइनो घर जाएगा तो फूल मालाओं से स्वागत होगा उसका, दुश्मन पर फतेह जो हासिल की है उसने। नंबर 14, लायन वर्सेस लेपर्ड। यहाँ देखिए, बेचारा लेपर्ड दीन दुनिया से बेखबर आराम से सो रहा है कि तभी वहाँ ये शेर पहुँच जाता है। इससे बढ़िया मौका और क्या मिलेगा शेर को? सोते हुए लेपर्ड का शिकार करना तो सबसे आसान काम है, मगर शायद शेर की किस्मत उससे नाराज होकर कहीं चली गई है, इसलिए इतना बढ़िया मौका उसके हाथ से निकल गया। लेपर्ड जाग गया और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में भी कामयाब हो गया। नंबर 13, जिराफ वर्सेस लायन। पहली बार सुनने पर तो विश्वास ही नहीं होगा कि जिराफ जैसा साधारण सा जानवर जंगल के राजा खूंखार शेर को हरा सकता है, मगर इस वीडियो को देखने के बाद मन में कोई शंका नहीं रह जाएगी। देखिए कैसे ये जिराफ इस शेर को हवा में उछाल उछाल कर मार रहा है। बेचारे शेर के पेट और पीठ पर इतनी लाते बरसाई है इस जिराफ ने कि शेर की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई होगी। शेर की ऐसी दुर्गति आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। नंबर 12, कैंगरू वर्सेस कैंगरू। कैंगरू उस आशिक का नाम है जो लड़ाई के मैदान में अपने प्यार के लिए मरना पसंद करेगा, मगर मैदान छोड़कर भागेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ये प्राणी अक्सर तब आपस में लड़ते हैं जब इन्हें किसी फीमेल कैंगरू को इम्प्रेस करना होता है। कहा जाता है कि ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक दोनों में से कोई एक अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठता। वैसे देखने में ये लड़ाई काफी दिलचस्प और मजेदार लगती है, क्योंकि कैंगरूज की लड़ाई की स्टाइल ही कुछ इस तरह की है। ये घूंसे मारते हैं, लात मारते हैं, नाखून चुबाते हैं और इसी तरह बस लड़ते रहते हैं। नंबर 11, लेपर्ड वर्सेस लेपर्ड। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे दो लेपर्ड आपस में भिड़ते हैं। एक लेपर्ड पेड़ पर चढ़कर बैठा है और दूसरा जमीन पर कुछ खोज रहा है। तभी वह नजर उठाकर ऊपर देखता है और दोनों की नजरें मिलती हैं। बस फिर क्या था, ये लेपर्ड भी उछलकर पेड़ पर चढ़ जाता है और शुरू हो जाता है घमासान। दोनों बुरी तरह उलझ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे इनमें से किसी एक की कब्र आज इस पेड़ पर ही बन जाएगी। मगर कहानी में एक ट्विस्ट है मेरे दोस्त। ये देखिए, दूसरी ओर से राजा साहब अपनी रानी साहिबा के साथ आज रात जंगल की गश्त पर निकले हैं। वो शायद यही चेक करने आया है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। ऐसे में एक लेपर्ड बड़ा फट्टू निकला, शेर की आवाज सुनकर ही दुम दबाकर भाग गया। दूसरा भी अपनी सांसें रोककर वही पेड़ पर बैठा रहा जब तक कि राजा साहब की सवारी निकल नहीं गई। नंबर 10, बफलो वर्सेस लायन। बफलो का शरीर इतना बड़ा होता है कि एक शेर के लिए कई दिनों तक की खाने की व्यवस्था कर सकता है, इसलिए जब भी शेर किसी भैंसे को अकेले में देखता है तो उसका शिकार करने से नहीं चूकता। मगर जब कहानी उल्टी पड़ जाए तो नतीजा भी उल्टा हो जाता है, यानी अगर शेर किसी भैंसे के झुंड में अकेला फंस जाए तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है, राजाओं वाले ठाट की हवा निकल जाती है। यहाँ ऐसा ही हुआ, ये शेरनी भैंसों के झुंड में बुरी तरह से फंस गई है और निकल नहीं पा रही। डरी सहमी गुर्राने की कोशिश तो कर रही है, मगर उसकी आवाज में वो बात नहीं है।
आज सारे भैंसे मिलकर इसका वो हाल करने वाले हैं कि ये मंजर शेरनी को कई जन्मों तक याद रहेगा। नंबर 9, लेपर्ड वर्सेस क्रोकोडाइल। यहाँ देखिए कैसे ये लेपर्ड घात लगाकर इस क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ रहा है। रेत पर आराम से धूप सेक रहे इस क्रोकोडाइल को कोई खबर ही नहीं है कि उसकी मौत पानी में बिना आवाज किए तैरते हुए उसकी ही ओर आ रही है। जैसे ही लेपर्ड वहां पहुंचा, उसने क्रोकोडाइल पर पीछे से हमला किया और उसे धर दबोचा। क्रोकोडाइल इस अचानक हुए हमले से बौखला गया और उसे संभलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। देखते ही देखते लेपर्ड ने उसे मौत के घाट उतार दिया और अपने भोजन को खींचता हुआ पानी से बाहर ले आया। क्रोकोडाइल जो खुद इसी तरह घात लगाकर शिकार करता है, आज वही शिकार हो गया। ये जंगल है भैया, यहाँ कोई तीस मार खान नहीं है, यहाँ सभी का एक ना एक बाप है। नंबर 8, रैबिट वर्सेस स्नेक। ये देखिए, अक्सर शांत रहने वाला खरगोश जब लड़ाई करता है तो कितना खतरनाक हो जाता है। अच्छे अच्छों को मौत की नींद सुला देने वाले सांप से इसकी जंग देखने लायक है। सांप ने आज एक गलती कर दी है कि वो बिना खरगोश से पूछे उसके बच्चों की पप्पी लेने गया। खरगोश को गुस्सा आ गया। बस फिर क्या था, अपने नुकीले दांतों से खरगोश जो काटने लगा सांप को कि बेचारे को अपनी नानी याद आ गई होगी। सांप को कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा था, उसके पूरे शरीर पर लगातार वार हो रहे थे और वो बेचारा छटपटा कर इधर उधर लोट मार रहा था। इसीलिए सलमान भाई भी कहते हैं, आम आदमी को छेड़ना नहीं चाहिए, आम आदमी सोता हुआ शेर है, अगर जाग गया तो चीर फाड़ देगा। नंबर 7, वाइल्डबीस्ट वर्सेस क्रोकोडाइल वर्सेस हिप्पो। इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि जरूर हिप्पो ने ये निर्मम जंगल राज खत्म करने की ठान ली है। जब कुछ वाइल्डबीस्ट मिलकर नदी किनारे पानी पी रहे थे, तभी पानी के अंदर घात लगाकर बैठा ये समुद्री राक्षस क्रोकोडाइल उन पर अचानक और जोरदार हमला कर देता है और उनमें से एक वाइल्डबीस्ट की टांग पकड़ लेता है। बेचारा वाइल्डबीस्ट बहुत मेहनत करता है खुद को बचाने की, मगर मगरमच्छ की कैद से आजाद नहीं हो पाता। तभी पानी में से एक हिप्पो आता है और किसी हीरो के माफिक और गुंडे के चंगुल में फंसी हीरोइन को आजाद करवाता है और मगरमच्छ को पानी में दूर तक खदेड़ कर आता है। क्रोकोडाइल बेचारा अब कभी हिप्पो के आसपास होते हुए शिकार करने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 6, जिराफ वर्सेस जिराफ। इनकी आपस में लड़ने की स्टाइल सबसे अलग है। ये एक दूसरे के सामने नहीं बल्कि अगल बगल में खड़े होकर लड़ते हैं। ऐसा लगता है स्कूल में दो बच्चे पास पास की लाइन में खड़े होकर लड़ रहे हो। लड़ते वक्त ही अपनी मुंडी हवा में चारों तरफ घुमाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा करने से इन्हें चक्कर नहीं आते क्या। इनका लड़ने का अंदाज जैसा भी हो, देखने में तो बड़ा मजेदार लगता है। ये देखिए, इसी स्ट्रेटेजी के साथ एक जिराफ ने दूसरे को गिरा भी दिया। वाह भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया, जीत आपकी हुई। नंबर 5, ईगल वर्सेस फॉक्स। नॉर्मली तो बास छोटे जानवरों को ही अपना शिकार बनाता है, मगर लगता है आज इसे जरा ज्यादा ही भूख लगी है, क्योंकि आज इसकी नजर एक लोमड़ी पर है। बेचारी लोमड़ी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही है, मगर जैसा कि सब जानते हैं, ईगल के चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यही हाल इस लोमड़ी का हुआ, ईगल आज पेट भर कर खाना खाएगा। नंबर 4, बबून वर्सेस लेपर्ड। ये देखिए कैसे एक छोटे से बंदर के बच्चे को देखकर इस लेपर्ड के मुंह में पानी आ रहा है। ये बच्चे का पीछा करते करते पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ की डाल के आखिरी छोर तक उस बच्चे के पीछे पड़ा रहता है। तभी उसकी नजर पड़ती है बच्चे की माँ पर। लेपर्ड माँ को देखकर घबरा जाता है। माँ दौड़कर लेपर्ड पर हमला करती है और उसे खदेड़ देती है। मगरमच्छ जैसों का शिकार कर लेने वाला लेपर्ड एक माँ से हार गया। नंबर 3, लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। यहाँ एक लायन और एक क्रोकोडाइल की ये लड़ाई बराबर की दिख रही है, मगर तभी अचानक से दो और शेर आ जाते हैं और तीनों मिलकर एक साथ अकेले क्रोकोडाइल पर हमला बोल देते हैं। ये क्रोकोडाइल के साथ धोखा है, मगर क्या किया जा सकता है, ये जंगल है और खुद शेर इसका राजा, जो वो चाहेगा वही होगा। बेचारा क्रोकोडाइल इन तीनों के मुकाबले में ज्यादा देर टिक नहीं पाता और आखिरकार उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नंबर 2, लायन वर्सेस ईगल।
जानवरों के राजा और पक्षियों के राजा में लड़ाई तो वाकई में बड़ी दिलचस्प होती है, मगर ये लड़ाई शेर के बच्चे और एक घायल बाज के बीच में है। शेर के बच्चे आपस में खेल रहे थे कि तभी उनकी नजर इस बाज पर पड़ती है और उनमें से एक बच्चा बाज की तरफ बढ़ता है। बेचारा बाज अभी इस कंडीशन में है कि उड़ भी नहीं पा रहा है। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में ये बच्चे इस बाज को मार देते हैं और आराम से बैठकर दावत का मजा लेते हैं। नंबर वन, बैजर वर्सेस फॉक्स। यहाँ एक लोमड़ी बैजर से मुकाबला करती नजर आएगी आपको। दरअसल बैजर की नजर लोमड़ी के बच्चों पर है और अपने बच्चों को बचाने की खातिर ये फॉक्स इस बैजर का मुकाबला कर रही है, मगर लड़ाई का अंजाम दुखद होता है और आखिरकार लोमड़ी को अपने बच्चों सहित स्वर्ग की सैर के लिए निकलना पड़ता है। तो इस रोमांचक सफर का यही अंत होता है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा वाइल्ड एनिमल्स के क्रेजीएस्ट फाइट्स की इस लिस्ट में आपको सबसे भयंकर और क्रेजी लड़ाई कौन सी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।